देवघर शहरी क्षेत्र में पानी की किल्लत बहुत जल्द दूर होने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। देवघर बाबा नगरी में वर्षों से चलती आ रही पानी की किल्लत बहुत जल्द दूर होने वाली है। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्र के बाहर भी लोगों को पानी मुहैया कराने की तैयारी है। शहर के बाहर भी बड़े तादाद में पाइप बिछाने का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। 287 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 7 MCA पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। देवघर का 70% क्षेत्र ड्राई जोन में तब्दील हो चुका है। ऐसे में 79 जलाशय योजना देवघर वासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। ये सारा काम WTP और GSLR के तहत तय किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर ये योजना धरातल पर सही समय पर उतर आती है तो देवघर में पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये योजना जो है माननीय सांसद का मैंने किया, इधर जानिए कि योजना 1976 से ही चल रही थी, लेकिन ये सफ़ेद हाथी बन के रह गया था। लेकिन जब से हमारे सांसद, हमारे विधायक देवघर में आए हैं, तब से जो है 79 योजना पर जोर शोर से काम चल रही है और नगर विकास के तरफ से भी इस पर पूरा प्रक्रिया करके इसका पाइपलाइन का काम बहुत जोरों से चल रही है। लगता है 2022 तक हर घर में पानी जो है 79 दे पाएगी और 79 से पानी पीने का समस्या तो देवघर का दूर होगी। ऐसा किनार बन रहा है कि जो पंजर जमीन था देवघर जिला या और संथाल परगना में, सारे जिलों को जो है फसल के लिए भी पंजाब देरी नहीं है, जो कि संथाल परगना हमारा पंजाब के टक्कर ले पाए। सर, जलापूर्ति योजना के नाम से ये योजना सैंक्शन है राज्य सरकार द्वारा। 272 करोड़ की योजना है और 5 साल का ONM भी JMC को मिला है। तो अभी इसका काम प्रारंभ हो चुका है। लगभग 7-8 महीने 9 महीने हो चुके हैं। सर्वेक्षण का काम हो चुका है, एक सेक्शन की डिजाइनिंग का काम हो चुका है, पाइपलाइन लेइंग भी हो रहा है और मुझे जानकारी जहाँ तक है 10 दिन पहले तक करीब 2-3 किलोमीटर तक जो पाइपलाइन है वो बिछा था 79 से लेकर के दिगरिया पहाड़ तक और इसके बाद वहाँ से देवघर शहर तक आना है। लगभग 24 किलोमीटर का की दूरी है। इसका ऐसे कार्यकाल 3 साल का है इसके कंप्लीशन का, जिसमें से 1 साल बीत चुके हैं और लगभग मैंने 9 महीना बीत चुका है। कार्य प्रगति पर है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।